पावर टिलर के साथ जो स्प्रे पंप आता है उसके लिए आमतौर पर कंपनियां 30 से 35,000 रुपए तक लेती हैं। लेकिन इस स्प्रे पंप के लिए आपको 30 से 35,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक उन्नत किसान ने कंपनी जैसा ही स्प्रे पंप केवल 12,000 रुपए में लगवा लिया। पावर टिलर के पीछे आप 35,000 रुपए का स्प्रे पंप 12,000 रुपए में कैसे लगवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन इससे पहले, यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है दीपक बेरवाल। इन्होंने सब्जियों की खेती करने के लिए एक पावर टिलर खरीदा, आप इसे मिनी टिलर भी कह सकते हैं। इस पावर टिलर के साथ कंपनी की तरफ से स्प्रे पंप भी आता है। यदि दीपक कंपनी का स्प्रे पंप खरीदते तो इन्हें 30 से 35,000 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कंपनी से बेस प्लेट खरीदी और मार्केट से स्प्रे पंप खरीदकर इस बेस प्लेट पर लगा दिया। इस तरह इनके केवल 12 से 13,000 रुपए खर्च हुए। ये स्प्रे पंप वैसा ही काम करता है जैसे एक बड़े ट्रैक्टर का स्प्रे पंप काम करता है। ये हैंड ट्रैक्टर है या मिनी ट्रैक्टर बोल लो, जो लोग सब्जियां बोते हैं और छोटे किसान, उनको बड़ा ट्रैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे जो मैं करने लग रहा हूँ उसके लिए ये सबसे बेस्ट मशीन है। 10 हॉर्स पावर का इंजन है इसका, छोटा सा है ये, गियर सिस्टम दे रखा है, पीटीओ दे रहे, सारे काम जो एक ट्रैक्टर करता है वो कर सकता है ये। इसके पीछे हमने पंप लगा रखा है जो इसके पीटीओ से चलता है। यही चीज़ अगर मैं कंपनी की लेता तो थोड़ी एक्सपेंसिव, डबल एक्सपेंस में पड़ जाती मुझे, अराउंड 35-40,000 की। हमने बेस प्लेट कंपनी से लेके उसके ऊपर मार्केट से पंप लेके लगवा दिया, जो कि पूरा 12-13,000 रुपये में बन जाता है। तो वो एक सेविंग है। पंप की परफॉर्मेंस जितनी एक नॉर्मल बड़े ट्रैक्टर की होती है, 45-50 HP के ट्रैक्टर की, सेम परफॉर्मेंस है, सेम पंप है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। उतनी ही आपको ये परफॉर्मेंस देता है स्प्रेइंग में। तो ये वर्सटाइल है, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये ट्रैक्टर नहीं कर सकता, जो बड़ा ट्रैक्टर कर सकता हो। इसका स्प्रे 15-20 फीट जाएगा आपका, और स्प्रे की क्वालिटी स्प्रे गन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप जितनी अच्छी स्प्रे गन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा और अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ये हमने एक्चुअली कल ही तैयार किया है ये स्प्रेइंग का इसका सेटअप, और इसको हमने जो टेस्टिंग की है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। हाँ, सो हमारा आइडिया यही है कि इसमें 150-200 फुट का पाइप लगा के आप एक जगह से पूरे एकड़ों, मतलब बंदा पाइप लेके पूरा एकड़ घूम के उसको स्प्रे कर सके, उतना उसका काम ख़त्म हो जाता है, उतना ईजी हो जाएगा उसके लिए स्प्रे करना, और एक बंदा कुछ घंटों में कई एकड़ स्प्रे कर पाएगा, जो आज के दिन हम बैकपैक स्प्रेयर से कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था हमें करने में। सब्जियां लगाने वाले जो किसान पावर टिलर खरीदना चाहते हैं वो अलग से स्प्रे पंप लगाकर 20 से 25,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। आपकी ये छोटी छोटी बचत ही आपके मुनाफे को बढ़ाएंगी और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।